हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र में आश्रम संचालक समेत तीन की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पर एडीजी डीएम एसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। एडीजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद संपत्ति को लेकर मामला सामने आ रहा है। तमाम बिंदुओं पर जाँच कराई जा रही है। खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया और जल्द ही खुलासा भी कर लिया जाएगा। टड़ियावा के ग्राम कुआ मऊ निवासी हीरा दास पुत्र चत्ता गंगई के मूल रूप से रहने वाले थे। 20 वर्ष पूर्व कुआ मऊ में आकर रहने लगे। जैसा कि बताया गया कि उन्होंने गांव में ही एक आश्रम बनाया जहां पर वह अपनी पत्नी मीरा दास और पुत्र नेतराम के साथ रहते थे। सोमवार की रात 3 लोगों की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह लोगों ने उनका शव आश्रम में पड़ा देखा और सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी अमित कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी। एडीजी एसएन सावंत भी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किया। यहां प्रत्यक्षदर्शी लोगों के मुताबिक बाबा शिष्य व बेटे पर जिस तरह से वार किए गए, एक ही तरीका अपनाया गया है। इससे यह साफ होता है कि हत्या करने वाले जो व्यक्ति शामिल हैं, वह एक एक के बाद मौत के घाट उतारा होगा। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करने में जुटी है। वहीं सही कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने घटना स्थल को चारों ओर से एक पट्टी के अंदर बैरिकेटिंग करके फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जहाँ पर फिंगरप्रिंट लिए गए हैं ताकि सही कातिलों तक पुलिस के हाथ पहुँच सके। और इस पूरे मामले में एक अहम बात और सामने आई है कि एडीजी ने बताया कि उनके हाथ जमीन से विवाद को लेकर कई कागज लगे हैं, जिससे माना जा रहा है कि हत्या का एक अहम कारण यह भी रहा होगा। बाकी अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। 5 टीमों का गठन करके अतिशीघ्र खुलासे की बात एडीजी ने कही है। वहीं घटना से गांव के साथ ही आसपास के गांवों में भी हड़कंप मच गया है। हरदोई में थाना तड़ियों क्षेत्र में ये ग्राम है कुहा मऊ, यहाँ पर हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे श्री हीरादास जी, जिनका उम्र लगभग 75-80 साल का है, वो एवं उनके साथ जो एक महिला उनके पत्नी पहले बताई गई है और वेरीफाई किया जा रहा है, उनका उम्र भी लगभग 65 के आसपास होगा एवं उनका बेटा, ये तीनों का सर कुचला हुआ हालत में पाया गया। एक शार्प इंजुरी हीरादास जी को भी है और फील्ड यूनिट और बाकी हमारे डॉग स्क्वाड वगैरह आके उसको वेरीफाई किए। डीएम साहब, एसपी साहब, सभी हम लोगों ने आके इस चीज़ को देखा। इनके साथ कुछ कुछ जमीन और या किसी किसी विवाद होने के संबंध में कुछ सूचनाएं तो हमें मिली है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस, इनका पुराना एप्लीकेशन हमारे पास कॉपी मिली है, जिस एप्लीकेशन से हम लोग इसको पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ कभी कभी कुछ इनके साथ आते थे, इनके सहायक के रूप में कुछ इनके साथ कुछ समय व्यतीत करते थे और उसके बाद चले जाते थे, जैसे कि गाँव वालों ने बताया है। उस एंगल से भी दिखाया जा रहा है कि क्या इसमें हुआ है, और जो भी अभी तक संभव है प्रथम दृष्टया लगता है लगभग संपत्ति संबंधित ही कोई बात हो सकती है, क्योंकि इनके पास भी अपने ननिहाल के तरफ से लगभग 35-40 बीघा की जमीन भी है। और इस सिलसिले में अभी हमारा जांच विभिन्न डायरेक्शन में अभी इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हम लोग हिरासत में लेके पूछताछ भी कर रहे हैं। लगभग हम लोग इसमें एक चीज़ तो क्लियर है, कोई लूट आदि करने का मकसद प्राय में प्रथम दृष्टया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी एंगल को हम लोग ओपन रखे हैं अभी और ये प्रयास किया जा रहा है। 5 टीम हम लोगों ने बना दिया है। आसपास के जो सीतापुर जनपद को भी हम लोगों ने बता दिया, क्योंकि कुछ क्लू वहाँ से भी हो सकता है, तो उसे भी हमने बताया है और प्रयास कर रहे हैं कि इसको शीघ्र वर्कआउट हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और लोगों के द्वारा, लोगों के साथ बात भी की जा रही है हर पॉसिबल एंगल को देखकर। सर, पैसे में क्या काम करते थे सर ये? ये गांव से अलग रहते थे, इनकी खेती बाड़ी
थी, मुख्य ये है, लगभग 35-40 बीघा की जमीन इनके पास थी, जिसको ये कुछ लोगों को बटाई पर देने की बात प्रकाश में आई है। और क्योंकि ये कुछ झाड़ फूंक और पूजा पाठ आदि भी करते थे, तो लोग इनको आके सम्मान भी देते थे, ये भी बात प्रकाश में आई।